अरे हाँ हाँ ठीक है, मुझे फिर से जरूरत होगी तो मैं यहाँ पर फिर से आऊंगा, ठीक है ना भैया? अरे हाँ फ्रैंकलिन, ठीक है, चल अब जा यहाँ से, जितना भी काम है तुम उससे कर सकते हो। अरे हाँ हाँ शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरा दिन बना दिया। अरे हाँ फ्रैंकलिन, जो मेरा बात मानता है मैं उसका तो दिन बना देता हूँ। अब बस याद रहे उसको तुम घर से निकाल देना, ठीक है, और उसको तुम घर में अब लाना भी मत, बता देता हूँ मैं। अरे ठीक है भैया, मैं पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन, फिर तुम यहाँ से जाओ। अरे ठीक है भैया, मुझे फिर पैसे की जरूरत होगी तो मैं आऊंगा आपके पास। अरे हाँ जब जब आना, जब जरूरत हो तो आना, मैं तुम्हें फिर एक काम दूंगा, अगर तुम वो काम कर दोगे तो तुझे फिर से बहुत पैसे दूंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, खुद को भी बेच सकता हूँ। ठीक है अभी मैं जाता हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन, चलो जाओ। अरे चलो यार दोस्तों, मैं अब जा रहा हूँ अपने घर की ओर। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यार फ्रैंकलिन भैया वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये क्या कर रहे हैं, तो दोस्तों यार क्या बताऊं, मैं आया हूं, देखो अभी ना मैं आया हूं लॉस साल्टोस के एक बहुत ही खुफिया जगह में। मैं दोस्तों कल रात को ना सपना देख रहा था और सपने में मैं इस जगह पे आया था, तो यार गाइस मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे बात है यार, मैं कैसे यहां पर आ जाता हूं। लेकिन गाइस यार मुझे रास्ते याद थे तो यार मैं आ गया, और देखा तो ये जो मैं रात को सपना देख रहा था ना वो तो बिल्कुल सही निकल गया। चलो यार दोस्तों अब मैं जल्दी से जाता हूँ घर की तरफ। और गाइस यार ये जो भाई थे ना, मतलब कि यार पता नहीं वो तो कौन था, लेकिन गाइस मैं इसको भाई ही बोल रहा था, लेकिन गाइस यार वो ना मुझे बहुत माला माल करने की बात कर रहा है। चलो दोस्तों वो तो मुझे एक टास्क भी दिया है तो मुझे उस टास्क को पूरा करना है, आपको मैं वो टास्क बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो, ये देखो गाइस मेरी एक कार है ना, इस कार के ऊपर आपको नजर आएगी। और रे बाप रे कितनी ज्यादा यहाँ पर पैसे है गाइस, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये सब उसी जादू का कमाल है जिसने मुझे गाइस इतने सारे पैसे दिए हैं। चलो गाइस यार मैं इस पैसे को लेकर के जल्दी से घर पे जाता हूँ। और गाइस यार मैं ना ये जो मुझे जादुई आदमी जो काम दिया है मैं इसको कर दूंगा। वैसे गाइस वो जादुई आदमी तो नहीं है, मुझे लगता है वो जरूर कोई भूत होगा या फिर कुछ और होगा। चलो यार जल्दी से चलता हूँ घर पे। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो जो भूत है वो मुझे क्या बोला है और मुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? अरे यार डर तो मुझे बहुत ज्यादा लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन गाइस यार मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो यहाँ बिल्कुल रात में आया था। अगर आप ये वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो गाइस मैं रात को कैसे यहाँ पर आया था। अरे यार दोस्तों एकदम से चांदनी रात है और गाइस यार मैं जा रहा हूँ, पता है अभी मैं एक सपना देख रहा था और उस सपने में मुझे एक जादुई आदमी दिखा था और गाइस वो ना मेरी सारी विशेष पूरी कर रहा था, और यार मैं इसलिए वहीं पर जा रहा हूँ। चलो यार दोस्तों मैं इसी तरफ से रात को सपने में आया था और गाइस यार मैं इसी तरफ जा रहा हूँ। चलो देखते हैं कि आखिरकार क्या सच में मेरा सपना पूरा होने वाला है या फिर मैं कुछ वहम में जी रहा हूँ। अरे यार गाइस आज देखो पूर्णिमा की रात है और गाइस आज जो रात है ना वो कितनी सुंदर लग रही है, देख रहे हो आसमान में आपको तारे बहुत ही सुंदर सुंदर नजर आ रहे होंगे, और ये रात देखो कितनी प्यारी लग रही है। चलो दोस्तों मैं जल्दी से जाता हूँ और गाइस यार देखता हूँ कि मैं जो अभी सपने में देख रहा था क्या वो सच में होने वाला है या फिर मैं ऐसे ही वहम में था यार। चलो चल के देखूं जरा। अरे बाप रे ये क्या होने लगा। अरे यार दोस्तों मैं जैसे ही इधर कदम रखा ये क्या हो गया यार, इतनी अच्छी रात थी लेकिन ये तो रात एकदम से पता नहीं कैसी शैतान रात में बदल गई। अरे बाप रे यार दोस्तों मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे बाप रे ये वही गुफा है दोस्तों जो मैं रात को सपने में देखा था। अरे यार मुझे इसको कैसे भी करके ओपन करना पड़ेगा। रुको दोस्तों मेरे पास एक ग्रेनेड है, मैं उस ग्रेनेड को ओपन करता हूँ दोस्तों, मारकर और फिर देखूं जरा इसके अंदर क्या है। मुझे तो बहुत ज्यादा दोस्तों डर भी लग रहा है। ये देखो दोस्तों मेरे पास एक ग्रेनेड है, चलो मैं इस ग्रेनेड को मारकर इस गेट को तोड़ता हूँ और देखता हूँ गाइस कि आखिरकार इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। अरे बाप रे गाइस ये देखो फाइनली हमने गेट को तोड़ दिया है, और यार मुझे तो अब कितना ज्यादा डर लग
लग रहा है इसके अंदर जाने में। और गाइस यार देख रहे हो ऊपर में क्या है, रुको रुको दोस्तों मैं चल के देखता हूँ। अरे यार ये गेट में ना यहाँ पर लकड़ियाँ है, चलो मैं इसको चल के देखता हूँ। आखिरकार दोस्तों ये कितनी खतरनाक रात बन गई। लेकिन यार गाइस मुझे पता है, आपको मैं बता दूँ, मैं सपने में तो वो देखा कि मुझे वो सारी विशेष पूरी करने वाला कोई जादूगर आदमी मिल गया है। और गाइस यार इसलिए मैं इसमें आया हूँ अपने जान को जोखिम में डालकर। आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए भी आपकी जो विशेष है उसको पूरी कर सकूं। चलो यार दोस्तों मैं चल करके देखता हूँ आखिरकार क्या वो सच में सच था जो मैं सपना देख रहा था, या फिर मेरा वहम था। ओ माई गॉड दोस्तों, यहाँ पर तो मुझे देख करके ही डर लग रहा है, एकदम से अंधेरा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना, ये तो एकदम से मुझे डर लग रहा है। लेकिन गाइस यार सामने देखो, ओ माय गॉड दोस्तों सामने में कुछ आपको दिखा क्या? अरे बाप रे गाइस वो देखो दोस्तों, वहां पर कुछ तो चमक रहा है। अरे यार चलो चलो चलकर देखते हैं दोस्तों। यार पता नहीं यार वो कौन है यार, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन गाइस चल करके देखो जरा कौन है। अरे बाप रे यार यहाँ पर तो कोई ना कोई है दोस्तों, ये देखो कौन है यार। अरे यार आप कौन हो? आओ आओ फ्रैंकलिन, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं कितने वर्षों से, आज तुम आए हो मेरे पास। अरे बाप रे ये क्या बोल रहे हो, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? फ्रैंकलिन मैं इस दुनिया का हर एक व्यक्ति का नाम जानता हूँ, तो तेरा भी नाम जानता हूँ। अरे बाप रे लेकिन आप मेरे सपने में कैसे आए थे? इसलिए मैं तुम्हें बुलाना चाहता था और इसीलिए तेरे सपने में गया था बच्चे, और तू आज आ ही गया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे हाँ हाँ मैं आ गया, लेकिन मैं सपने में देखा था कि मुझे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। अरे हाँ जरूर मिलेंगे, अपने दोस्तों को बोलो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर तुम्हारे दोस्त इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो तुझे वो सारी चीजें मिल जाएगी जो तुम चाहते हो, और शायद तुम्हारा दोस्त भी जो चाहेगा उसे वो सारी चीजें मिल जाएगा। अरे बाप रे ये तो काफी अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि दोस्तों आप लोग जो भी चाहो वो सारी चीजें मिल जाए। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, पैसे गाड़ी घर बंगला कुछ भी चाहते हो तो बताना। और हाँ दोस्तों मेरे लिए भी आप लोग बोल देना, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ फ्रैंकलिन तुम्हारे दोस्तों ने वीडियो को तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कौन सा काम करना है, उसके बाद तुझे जितनी चाहिए वो पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अरे हाँ हाँ बताइए बताइए मैं क्या करूँ? देखो फ्रैंकलिन बहुत काम कठिन है लेकिन तुम कर सकते हो मुझे लगता है। अरे हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बताइए तो सही। फ्रैंकलिन तुम्हारा जो सबसे जिगरी दोस्त भाई या फिर दुनिया में सबसे प्यारा चीज है वो मुझे चाहिए फ्रैंकलिन। अरे ये क्या बोल रहे हो, मतलब कि आप सिंचन के बारे में बातें कर रहे हो? अरे हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल सही, तुम्हें बस उस सिंचन को तुम्हारे घर से बाहर भगा देना है, फिर मैं उसको अपने पास बुला लूंगा। अरे बाप रे ये क्या बोल रहे हो, सिंचन तो मेरा प्यारा भाई है, मैं उसको कैसे अपने घर से बाहर निकाल दूं? नहीं फ्रैंकलिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, और फिर मैं सिंचन को तो कैसे भी यहाँ तक बुला ही लूंगा। अरे बाप रे यार ये मैं क्या करूँ, सिंचन को मैं कैसे घर से निकालूँ? अच्छा कोई बात नहीं है, सिंचन कौन सा मेरा अपना भाई है, वो तो मेरे गांव का है। ठीक है मैं ये कर दूंगा, सिंचन को मैं अपने घर से भगा दूंगा। ठीक है तो जाओ, अभी तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगी, पहले आज तुम्हें 5 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ, और अगर तुम सिंचन को घर से बाहर निकाल दोगे तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हारे जो दोस्त जो चाहेंगे उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को वो सारी चीजें मिलेंगी जो वो लोग चाहते हैं। अरे बाप रे चलो चलो ये तो काफी अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग याद से
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, ठीक है ना? ठीक है फ्रैंकलिन, तुम यहाँ से चले जाओ अब। तो गाइस, देखा आपने, ये कहानी थी यार। मैं दोस्तों यार रात को ना वो देख रहा था सपना, और गाइस वो सपना हो गया सच। देखो मेरे पास ये पूरे के पूरे हो गए हैं 5 करोड़। चलो यार दोस्तों, अब जल्दी से मैं जाता हूँ घर पे, और जो वो भूत मुझे काम दिया है मैं उसको पूरा करके मैं बहुत ही ज्यादा माला माल बन जाऊंगा। और आप लोग भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग भी माला माल बन जाओगे। आप लोगों ने सुना ना वो भूत ने क्या बोला, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो यार दोस्तों, मैं जाता हूँ अब जल्दी से घर पे, और गाइस यार उस सिंचन को ना घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आप लोग सिंचन को मत बता देना पहले ही, नहीं तो वो डर जाएगा। चलो मैं उसको जल्दी से जाता हूँ और उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अरे यार तू यार सिंचन आज पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं गया यार? अगर देखना फ्रैंकलिन भैया आएंगे तो वो बहुत गुस्सा करेंगे तुम पर। अरे यार चुप ना भाई चुप, तुम नहीं बताना कि आज मेरा स्कूल खुला है, ठीक है? मैं फ्रैंकलिन भैया को बोल दूंगा कि आज तो मेरा स्कूल ही बंद है, तो वो मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे, समझा ना? बस तू अपना मुंह बंद रखना। अरे बाप रे, लेकिन सिंचन तू उनसे झूठ कैसे बोलेगा यार? मुझसे तो झूठ बोला नहीं जाता। अरे यार चुप ना भाई, क्या यार तुमसे एक झूठ नहीं बोला जाएगा? आज मेरा जाने का मन ही नहीं है स्कूल यार, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? बस तू मत बता देना फ्रैंकलिन भैया को, नहीं तो समझ लेना तुम्हारा और हमारा दोस्ती आज खत्म हो जाएगा अगर तूने बता दिया तो। अरे बाप रे, ये तू कैसी धमकी दे रहा है यार? मतलब यार दोस्ती खत्म कर लोगे क्या? अरे हाँ कर लूंगा, अगर तुम बता दिए ना फ्रैंकलिन भैया को कि मेरा स्कूल खुला था और मैं नहीं गया, तो समझ लेना तुझे तो बहुत मारूंगा और फिर मैं तुमसे बातें भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, ये ऐसी धमकी मत दे यार, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा फ्रैंकलिन भैया को, ठीक है? अरे हाँ तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आज हम लोग मस्ती करेंगे, ठीक है ना? घर पे मस्त डोरेमोन देखेंगे, मजा आ जाएगा। अरे हाँ ठीक है ठीक है। चलो यार दोस्तों, अब देखो मैं अपने घर की तरफ तो पहुंच गया। गाइस इतने सारे पैसे लेकर के मैं अपने घर पे जाऊंगा तो यार वो सिंचन और चोप तो पागल ही हो जाएगा मुझे देख करके कि आखिर यार फ्रैंकलिन भैया के पास इतने पैसे कैसे आ गए। उन लोगों को तो मैं कुछ बताया ही नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं, वो लोग तो यार मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। चलो जाने दो, कोई भी बात नहीं है, मैं यहां पर रुकता हूं। और ये देखो गाइस, मैं अपने घर के ऊपर ना ये सीढ़ियां बनवा दिया हूं, ताकि गाइस यार छत के ऊपर जाने में आसानी हो। पहले यार हम लोग ना बहुत ज्यादा दिक्कत से चढ़ते थे सीढ़ी पे, लेकिन गाइस यार अब तो ये सीढ़ी हो गई ना तो घर पे चढ़ने में काफी आसानी होती है। चलो जाने दो, कोई नहीं। अरे यार सिंचन चोप, अरे यार सिंचन तो स्कूल गया होगा। चोप भाई जल्दी से यहाँ आ जा, चोप यार जल्दी से आ। अरे ठीक है आता हूँ फ्रैंकलिन भैया, रुको। अरे बाप रे, देखो यार चोप तो बोल रहा है, वो देखेगा इतने सारा पैसा तो वो बिल्कुल शौक हो जाएगा। चोप भाई जल्दी से आ जा यार। अरे मैं आ रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया, रुको तो सही, क्या हो गया, इतना क्यों हड़बड़ाई हो यार, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। अरे तोड़ी ये क्या है फ्रैंकलिन भैया, ये क्या है यार, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे यार ये तो बहुत बड़ी कहानी है, छोड़ो। ये देखो मेरे पास है पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए, और गाइस यार ये पैसे के आज ना मैं एक सुपर कार खरीदने का सोच रहा हूँ, समझे ना यार? अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, मजा ही आ जाएगा। अरे हाँ हाँ मजा तो आएगा ना यार, 5 करोड़ में तो एक बहुत ही अच्छी लैम्बोर्गिनी की कार आ जाएगी। अरे हाँ, लेकिन फ्रैंकलिन भैया 5 करोड़ की यार रखो यार, कुछ अच्छा काम करा जाएगा, कार क्यों खरीद रहे हो? अरे यार छोड़ ना भाई, अब अपने पास ढेरों पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। रुक जा यार मैं जरा एक काम, अरे ये बता पहले सिंचन कहाँ है? अरे फ्रैंकलिन भैया सिंचन, अरे सिंचन तो घर पे ही है। अरे ये क्या, सिंचन पढ़ाई करने नहीं गया क्या? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, आज वो पढ़ाई करने नहीं गया। अरे वाह यार, तब तो अच्छा हुआ। रुको मैं उसको अभी ही बता देता हूँ मैं जिस काम के लिए आया हूँ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया यार? अरे यार सिंचन तू यहाँ पर है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं यहाँ पर हूँ। अरे वाह यार दोस्तों, ये तो काफी अच्छी बात है, सिंचन आज पढ़ाई करने नहीं गया, इसी बहाने इसको घर से बाहर निकाल देता हूँ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया कुछ बोले क्या? अरे नहीं नहीं मैं कुछ बोला नहीं। सिंचन के बच्चे तू पढ़ाई करने क्यों नहीं गया है? स्कूल में 5,000 रुपए का महीना देता हूँ तुझे पढ़ने के लिए, और तू पढ़ाई करने नहीं गया आज? अरे यार फ्रैंकलिन भैया आज तो स्कूल ही बंद थी, तो मैं कैसे जाऊँ पढ़ाई करने? अरे तू झूठ बोल रहा है ना मेरे से? नहीं
फ्रैंकलिन भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा स्कूल बंद है, चाहे तो आप चोप से पूछ लो। अरे आप फ्रैंकलिन भैया, पता नहीं फ्रैंकलिन भैया, मुझे कैसे पता होगा, सिंचन का स्कूल है, सिंचन ही जानेगा ना। अरे सिंचन के बच्चे, रुको अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ, तू मुझसे झूठ बोल रहा है क्या? अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ, सिंचन में अभी तुम्हारे प्रिंसिपल को कॉल करता हूँ और मैं फिर पूछता हूँ कि क्या बात है, क्या सच में स्कूल बंद है या फिर नहीं। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, मत पूछो मैं बताता हूँ। अरे ठीक है बता भाई, क्या बोल रहा है? फ्रैंकलिन भैया, आज ना मैं सुबह ना मेरा जाने का स्कूल मन तो नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गया। अरे तू तेरा जाने का मन नहीं करेगा तो तू नहीं जाएगा क्या? पूरे के पूरे 5,000 रुपए महीने का पे करता हूँ तेरे स्कूल में, समझे क्या? और तू स्कूल नहीं जाएगा? रुक अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तू अब मुझसे मार खाएगा तब तू सिंचन के बच्चा मानेगा। तू ये ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तू पढ़ाई करने नहीं गया? तुझे तो इतना मारूंगा ना, तुम दोनों को, चोप कहेंगे तुझे भी और सिंचन कहेंगे तुझे भी। अच्छा चोप को तो मैं मारना नहीं चाहता था, चोप भाई टूट गया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, ये क्या कर रहे हो, कितना जोर जोर से मार रहे हो, आज तो तुम कैसे कर रहे हो, पहले तो कभी नहीं मारते थे। अरे बाप रे, मत मारो फ्रैंकलिन भैया। अरे तुम्हें मारूंगा नहीं तो क्या, तू पढ़ाई करने नहीं जाएगा? अब तो या तो तू पढ़ाई करने जाता या तो तू मेरे घर से निकलेगा। चल अब तू एक काम कर, तब तो तू पढ़ाई करने नहीं गया ना, अब तू मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे अपने घर में देखना नहीं चाहता, चल अब यहाँ से भाग जा। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया, ये क्या तुम कर दिए, मतलब कि मैं एक दिन पढ़ाई करने नहीं गया तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे क्या? तुम बोलो ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो मुझसे। अरे जाता है कि वरना तुझे और मारूं, अभी ये मार भूल गया क्या? बहुत मारूंगा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुझे चोप से भी कटवा दूंगा। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया, तुम दोनों अपने झगड़े में मुझे मत लो, मेरा सिंचन भी दोस्त है, मैं इसको कभी नहीं काटूंगा। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया, आखिर तुम कितने बूढ़े बन गए, मैं जा रहा हूँ तुम्हारा घर छोड़कर। अरे ठीक है चला जा यहाँ से वरना तुझे बहुत मार मारूंगा। अरे बाप रे यार, क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया को दोस्तों, पता नहीं यार ये मुझे कैसे धक्के दे करके बाहर निकाल दिए, ऊपर से यार कितना मुझे मारा है यार। चलो दोस्तों यार, अरे बाप रे ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो इतने सारे पैसे हैं, ओ माय गॉड। दोस्तों मुझे लगता है फ्रैंकलिन भैया को ये पैसे कहीं से मिले हैं, और इसीलिए गाइस इन पैसों की वजह से मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भैया कितने बुरे हैं यार, मतलब कि ये पैसे के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। चलो यार दोस्तों जाने दो, मेरा क्या, मैं कहीं पे चला जाता हूँ, नहीं तो यार फ्रैंकलिन भैया को लगेगा कि मैं उनके पैसे के लिए उनके घर पर रहता हूँ। मैं दोस्तों गरीब हूँ ना, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ दोस्तों यार फ्रैंकलिन भैया तो बहुत बुरे हैं, छोड़ो जाने दो, मैं अब जा रहा हूँ कहीं, पता नहीं यार दोस्तों मैं कहाँ जाऊँगा। अरे यार मुझे तो बहुत अब जोर से भूख भी लग गई है, मेरे पास तो कुछ खाने को भी नहीं है, और गाइस यार फ्रैंकलिन भैया ने तो कुछ खिलाया भी नहीं आज, और घर से बाहर निकाल दिया। चलो जाने दो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ कहीं पे यार, कहीं तो रह ही लूंगा, नहीं तो यार मैं अपने गांव चला जाऊंगा मम्मी पापा के साथ, और वहीं पे मैं खेती करूंगा, वहीं पे मैं अच्छे अच्छे फल उगाऊंगा और फिर उसको बेचकर बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। हाँ दोस्तों चलो मैं जा रहा हूँ यार, दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, लेकिन तुमने यार ये ठीक नहीं किया, एक दिन सिंचन स्कूल नहीं जाएगा तो तुम उसे घर से बाहर निकाल दोगे, छोटा बच्चा है यार, वो मात्र 5 साल का है। अरे यार चोप भाई, तू बिल्कुल चुप रहा है वरना तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया यार फ्रैंकलिन भैया को, आज कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, पहले तो कितने अच्छे थे अभी कितने बुरे बन गए हैं। अरे चुप कहीं के ज्यादा मत बोल वरना तुझे भी बहुत मार मारूंगा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, मैं आता हूँ। पता नहीं यार दोस्तों फ्रैंकलिन भैया को क्या हो गया यार, सिंचन को घर से बाहर निकाल दिए और ऊपर से गाइस मुझे भी बोल रहे कैसे कैसे मारने पीटने को। अरे बाप रे छोड़ो फ्रैंकलिन भैया, मैं क्या करूँ। अरे चल चुप आकर के गाड़ी पे बैठ, चलते हैं यार सुपर कार खरीद कर लाते हैं। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, चलो मैं बैठ गया। अरे हाँ हाँ चलो चलते हैं। गाइस यार देखो, अब मैं जा रहा हूँ एक सिमियन के पास, मस्त सी सुपर कार खरीदूंगा, उसे मैं एक बार फोन करके
पूछा था ना, तो वो मुझे बोला था कि उसके पास मात्र एक ही पीस बची है, वो भी लैम्बोर्गिनी की। चलो गाइस यार मैं जाता हूँ। और गाइस SVJ63 लैम्बोर्गिनी की काफी टॉप मॉडल है, तो मैं इसी को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। और उसका प्राइस है पूरे के पूरे 5 करोड़। तो मैं जाता हूँ, और मेरे पास 5 करोड़ रुपए भी है तो मैं वो कार खरीद लेता हूँ। और मेरे पास जब पैसे घटेंगे तो आपको पता है ना कि मेरे पास पैसे कहीं से तो कहीं से आएंगे ही। चलो दोस्तों कोई नहीं, मैं जल्दी से जाता हूँ सिमियोन के पास, और गाइस वहाँ से एक सुपर कार पहले खरीद करके आता हूँ। सिंचन को तो आज हमने घर से बाहर ही निकाल दिया, मजा ही आ गया। अब गाइस यार मस्त से सुपर कार के साथ घूमूंगा फिरूंगा, मजे आ जाएंगे। चलो दोस्तों जल्दी से पहुँचता हूँ सिमियोन के पास। चलो गाइस यार अब देखो मैं पहुँच गया सिमियोन के शोरूम के एकदम से पास में, और इतने सारे पैसे लेकर के मैं जा रहा हूँ। लोग तो यार मुझे कैसे कैसे करके देख रहे हैं, लेकिन छोड़ो यार उन लोगों को क्या पता कि मैं आज आया हूँ अपने सपने को जीने, मतलब कि यार आज अपना जो सपना है ना उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और ये देखो, अरे यार सिमियोन भाई, ओ माय गॉड दोस्तों, ये क्या खतरनाक वाली कार है यार। अरे वाह फ्रैंकलिन, तुम्हारे लिए ही कार सजा कर रखी गई है, देख लो तुम्हारा कार बिल्कुल रेडी है। अरे हाँ हाँ मैं आ गया भाई। और यार क्या खतरनाक कार है यार। भाई सिमियन बताना यार कितने पैसे देने होंगे। भाई यार पूरे के पूरे 5 करोड़, क्योंकि तू अपना दोस्त है ना, नहीं तो ये 7 करोड़ में बिकती ये वाली कार। अरे यार भाई साहब सच में कितनी मस्त है यार। ओ माई गॉड, इसको तो देखने में लग रहा है कि भाई ये भी क्या सुपर कार है भाई। देख रहे हो दोस्तों SVJ63, ओ माई गॉड भाई गजब है यार। इसको देखने के बाद गजब फील आ रही है यार। अरे यार सिमियन भाई मैं इसको डन कर रहा हूँ भाई, मैं इसको लेकर के जाऊंगा। ठीक है फ्रैंकलिन, पैसे दो और गाड़ी ले जाओ। अरे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन गाइस सुनो भाई, वो मेरा कार भी यहीं पर है और वो पैसे भी, तो मेरी कार को कैसे पहुँचवाओगे तुम। अरे मैं उसको पहुँचवा दूंगा, तू टेंशन मत ले, तू घर जाएगा उससे पहले मैं वो कार तेरे घर पे पहुँचवा दूंगा। ठीक है, अरे हाँ हाँ ठीक है चलो यार ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है भाई मैं तुम्हें पैसे यहाँ ला करके दे देता हूँ। अरे ये ले भाई, ये पूरे के पूरे 5 करोड़ है। ठीक है भाई, गन्ना है तो गन ले, नहीं तो भाई। अरे ठीक है भाई फ्रैंकलिन, गन्ना क्या है यार, 5 करोड़ गन्ने बैठूंगा तो 2 महीने लग जाएंगे। अरे हाँ वो तो है, लेकिन भाई चल मैं ये कार लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, और मेरी जो पुरानी कार है उसको तू मेरे घर पहुँचवा देना, ठीक है ना। अरे ठीक है फ्रैंकलिन, चलो भाई ठीक है। चल यार चलो भाई, तू बैठ गया ना गाड़ी के अंदर यार, इसको तो चलाने में मजा आएगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया बहुत मजा आएगा, जरा आराम आराम से चलाना, मैं सुपर कार में पहली बार बैठ रहा हूँ। अरे हाँ मैं भी पहली बार ही ड्राइव कर रहा हूँ। ओह माय गॉड गाइस, ये देख रही हो यार कितनी ऑसम है यार। देखो गाइस सिंचन को घर से भगाने का मुझे फल क्या मिला। ओहो भाई साहब बहुत शानदार है यार, इसको तो चलाने में मजा आ जाएगा। चलो गाइस यार जल्दी से मैं अब घर की तरफ जाता हूँ, और गाइस इस कार को मस्त से लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के जाऊंगा मैं और चोप, है ना यार चोप। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, चलो गाइस यार ये तो बहुत शानदार कार फ्रैंकलिन भैया ने खरीद लिया। अरे हाँ यार वही तो भाई, बहुत शानदार हमने कार खरीद लिया। और गाइस ये कार है ना, इस कार में कुछ भी नहीं होता, अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाती है ना तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, मतलब कि गाइस इस कार को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस हमने पूरे के पूरे 5 करोड़ पे करे हैं। देखो गाइस ये कार हमने ठोक दी है ना, और इस कार में कुछ भी नहीं होगा, ये देखो, और इस कार को कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि ये कार एकदम से ओपी है। चलो गाइस यार अब मैं जल्दी से घर की तरफ जाता हूँ। अरे यार गाइस देखो ना यार, सुबह से शाम हो गई और यार मैं तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं, और यार मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, पैदल चलते चलते पता नहीं मैं कहाँ तक आ गया। अपने अगर मैं घर जाना चाहूँगा ना अपने मम्मी पापा के पास, तो मैं 3 दिन तक पैदल चलूँगा ना दोस्तों, तो अपने घर पहुँच जाऊँगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसे है, ना साइकिल है, ना बाइक है, ना कार है, तो फिर मैं कैसे अपने घर जाऊँगा, है ना यार दोस्तों। चलो यार जाने दो, कोई बात नहीं है, मैं पैदल पैदल ही पहुँच जाऊँगा। पता नहीं दोस्तों यार अब मेरा क्या होगा। अरे बाप रे दोस्तों वो क्या है, ओ माय गॉड दोस्तों वो देखो ये क्या है। अरे बाप रे यार गाइस वो क्या है भाई, क्या खतरनाक चमक रहा है। अरे नहीं 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 भाई, मुझे देख करके तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे यार दोस्तों आखिरकार ये क्या है,
मैं उसको छू करके देखूं क्या दोस्तों? अरे नहीं भाई, मुझे छूना नहीं चाहिए, ये कुछ भूत वूत हो सकता है ना यार दोस्तों? अरे बाप रे, लेकिन गाइस रुको, मैं छू करके देखता हूँ। अरे यार ये क्या है दोस्तों? अरे बाप रे, ये क्या होने लगा? अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? अरे बाप रे, ये पूरा अंधेरा अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गया? अरे बाप रे, ये क्या है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे यार आप लोग हो कौन? अरे आओ मेरे भाई सिंचन, तुम आ गए। अरे मैं आ गया, लेकिन आप लोग कौन हो? अरे बाप रे, बहुत इंतजार करवाया, लेकिन आज फ्रैंकलिन ने वो काम कर ही दिया जिसके लिए मैं तुम्हें बुलाना चाहता था। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में अभी नहीं आएगी सिंचन, मैं तुम्हें अगली पार्ट में बताऊंगा कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। अरे बाप रे यार, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बचाओ, यहाँ पर भूत है। फ्रैंकलिन तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। सिंचन मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। इंतजार करो पार्ट टू का, तुम्हें वो सारी जानकारी हो जाएगी कि आखिरकार मैं कौन हूँ और तुम्हें मैं यहाँ पर क्यों बुलाया हूँ। अरे बाप रे दोस्तों, पता नहीं पार्ट टू में क्या होने वाला है। अगर आप लोग दोस्तों इसका पार्ट टू देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना। अरे बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। तो गाइस यार फाइनली यार हम लोग घर आते आते देखो यार गाइस रात हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है, ये जो अपनी कार है ना, मैं इन लोगों को कल चलाने ले जाऊंगा, है ना यार चोप? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, यार इसमें तो बैठने के बाद बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज तो हम लोग बहुत अच्छी कार में ड्राइव कर रहे हैं। अरे हाँ यार वही तो भाई, चलो यार गाइस ये वाली कार को मैं लेकर के झटझट से अपने घर पे चलता हूँ। और गाइस आज तो यार हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है। वाओ गाइस यार, इस कार को तो मैं अपने गैराज में पार्क करूंगा, बहुत मजा आएगा। और ये देखो गाइस मैं आ गया अपने घर पे। और गाइस आज से हम लोग ना मैं और सिर्फ चोप ही है ना यार चोप? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, आज से तो हम ही लोग हैं, सिंचन को तो आपने भगा दिया। अरे हाँ यार वही तो गाइस यार, ये देखो मैंने अगली पार्ट में इस कार को मस्त मॉडिफाई करवाऊंगा और गाइस देखना ये कार कितनी मस्त लगेगी। तो चलो गाइस यार फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।